दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अचानक कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। क्या कोई बड़ा फैसला होने वाला है, ये सवाल हर किसी के जहन में है। दरअसल जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी कैबिनेट बैठक अपने आवास पर बुलाई है। दिल्ली में बिजली पर मिल रही सब्सिडी को लेकर कैबिनेट की ये इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। अगले साल मिलने वाली बिजली सब्सिडी को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। बजट में ऊर्जा विभाग को 3,354 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर ही आज शाम 4 बजे कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई है और जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि ये बैठक बिजली सब्सिडी को लेकर बुलाई गई है। अगले साल मिलने वाली बिजली सब्सिडी को लेकर इस बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है और इस साल जो बजट पेश किया गया है 4 मार्च को वित्त मंत्री आतिशी के द्वारा, उस बजट में ऊर्जा विभाग को 3,354 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं। तो ऐसे में चर्चा ये भी है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है, एक साथ मिलकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, 3 पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो क्या लोकसभा चुनावों के मद्देनजर दिल्ली वालों को कोई बड़ी राहत देने के लिए ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है? इस कैबिनेट की बैठक को लोकसभा चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दिल्ली में फिलहाल अगर बिजली सब्सिडी की बात की जाए तो 200 यूनिट फ्री बिजली दिल्ली वालों को मिल रही है। इसके अलावा 400 यूनिट तक आधी सब्सिडी दिल्ली के लोगों को मिल रही है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो इमरजेंसी कैबिनेट बैठक बुलाई गई है उसमें क्या फैसला होता है, क्योंकि इस मीटिंग का जो एजेंडा है वो बिजली सब्सिडी बताया गया है। ऐसे में क्या ये सब्सिडी जो दिल्ली वालों को मिल रही है, 200 यूनिट फ्री बिजली जो दिल्ली वालों को मिल रही है, उसे बढ़ाया जा सकता है, उसे 200 से 250 यूनिट या 300 यूनिट किया जा सकता है, या फिर कोई और बड़ा फैसला सामने आ सकता है? तो 4 बजे ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के खत्म होने के बाद जो भी फैसला होगा वो बताया जाएगा और उससे जुड़ी तमाम जानकारियां दिल्ली तक पर हम आपके साथ साझा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली तक।